बनाने के लिए आपको कम से कम एक मान लो 1-2 दिन लगते हैं आपको, ठीक है। तो उस ड्राइंग में आपको क्या करना है, पूरा का पूरा मैं आपको एक ड्राइंग दिखाता हूँ तो आपको इजी हो जाएगा समझने में। अभी समझो ये ड्राइंग है, ठीक है। तो ये मेरा फर्स्ट पेज है ड्राइंग का। तो इस पेज को बनाने के लिए ऑटोकैड में आपको पूरा ये लाइन खींचना पड़ेगा, ये पूरा जो कुछ भी उसका डिटेल है आपको इधर फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है, मैन्युअली। उसके बाद इसके रिपोर्ट्स वगैरह होंगे, या आपने जो कुछ भी यूज़ किया है ड्राइंग में, समझो कोई स्विच गियर यूज़ किया है, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कोई भी यूज़ किया है, तो उसका पूरा डिटेल्स आपको चाहिए। तो आप रिपोर्ट वगैरह जनरेट नहीं कर सकते ऑटोकैड में, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से मैन्युअली एक्सेल शीट बनानी पड़ेगी, उसका BOM जो होगा, बिल ऑफ मटेरियल, या उसका जो कुछ रिपोर्ट होगा, आपने जितने टर्मिनल यूज़ किए ड्राइंग में, या आपने ड्राइंग में प्लग्स यूज़ किए, ठीक है। इलेक्ट्रिकल ड्राइंग मीनिंग इसका मीन क्या है कि कौन सा भी ड्राइंग, अभी इलेक्ट्रिकल ड्राइंग कंस्ट्रक्शन साइट का भी हो सकता है, ऑटोमेशन फील्ड का भी हो सकता है, ठीक है, होम ऑटोमेशन का भी हो सकता है। तो उसमें भी बहुत अलग अलग टाइप्स है, जैसे कि अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ऑटोमेशन फील्ड का वायरिंग है, या जो हम ऑटोमेशन में यूज़ करते हैं ऑटोमेशन कंपनीज में, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम कि वेरियस टाइप्स ऑफ टर्मिनल्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्लग्स, या वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, PLCs, ऐसा बहुत कुछ यूज़ करते हैं। तो उसका आपको डिटेल चाहिए, ठीक है। तो हर एक चीज़ का डिटेल चाहिए, या हर एक चीज़ आपको एक रिपोर्ट्स में जनरेट करनी है, या रिपोर्ट्स में एक स्टैंडर्ड लेवल में आपको दिखाना है पूरा प्रोजेक्ट। अभी आप कोई भी प्रोजेक्ट आप कोई भी मशीन डिस्पैच करते हो, या कोई भी मशीन बना के कस्टमर को बेचते हो, तो उसके साथ उसका एक मैनुअल, स्टैंडर्ड मैनुअल जाना चाहिए, ठीक है। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो हम ऑटोकैड में नहीं कर सकते। अभी ऑटोकैड में क्या होगा कि सिर्फ आप ही ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है। जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल आपका डेटा है, सिंगल लाइन डायग्राम है, मल्टी लाइन डायग्राम है, वो सब आप ऑटोकैड में बना सकते हो। लेकिन अभी ई प्लान में फ़ायदा क्या है, तो ई प्लान में आपको कोई भी लाइन ऐसा खींचना नहीं है, ठीक है। जैसे आप ऑटोकैड में हर एक लाइन को आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, हर एक लाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उसका प्रॉपर्टीज चेक करना पड़ेगा, तो ऐसा ई प्लान में नहीं करना पड़ता है। ई प्लान में क्या होता है कि आपको एक सिंबल गैलरी होती है, ठीक है, हर एक चीज़ का सिंबल यहाँ पे अवेलेबल होता है। यहाँ पे सिंबल गैलरी का एक शॉर्टकट है, आप यहाँ पे IEC में क्लिक करोगे इस पे, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे क्लिक करोगे, तो आपको हर एक चीज का सिंबल यहाँ पे दिखाई देगा। अभी यहाँ पे एक प्लस का एक ऑप्शन है, तो उसमें आप देखोगे तो ये सब सिंबल्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं अलग अलग फोल्डर में, जैसे कि टर्मिनल और प्लग के सिंबल्स है, कॉइल्स एंड कॉन्टेक्ट के सिंबल्स है, PLC और बस बार के सिंबल्स है, ठीक है, प्रोटेक्शन डिवाइस के सिंबल्स है, प्रोटेक्शन डिवाइस यानी कि MCB है, कॉन्टेक्टर्स है, ठीक है, तो उसके सिंबल्स है, MPCB है, तो हर एक चीज़ का सिंबल्स है यहाँ पे। यहाँ पे आप एक कौन से भी एक क्लिक सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा। अभी जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा कि ये क्या है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस ऑफ थर्मल रिले, ठीक है, 4 पोल का थर्मल रिले है, उसका ये सिंबल है, ठीक है। तो इसमें आपको कोई भी सिंबल बनाना नहीं है, जैसे ऑटोकैड में आपको अगर आप लेटेस्ट वर्जन देखोगे तो उसमें है सिंबल, सिंबल के ऑप्शंस है, लेकिन आप 2 ईयर्स ओल्ड कोई भी वर्जन देखोगे तो उसमें आपको सिंबल बनाना पड़ता है, ठीक है, हर एक सिंबल आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो एक आपका जो मेन प्लस पॉइंट है, या मेन जो बेनिफिट है ई प्लान में, वो आपका टाइम कंजम्पशन होता है, ठीक है। तो कम टाइम में आपका ज़्यादा काम हो जाता है, ड्राइंग को आपके एक स्टैंडर्डनेस आता है। जैसे कि आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो तो आप यहाँ पे आपको दिखेगा एक सिंबल है जो कि बजर का है, ठीक है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन लेफ्ट साइड में दिखेगा, बजर या अलार्म, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एक अलार्म बेल है। तो मैं हर बार मुझे इसे आप ऑटोकैड में देखोगे तो हर बार आपको एक क्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं ई प्लान यूज कर रहा हूँ तो मैं हर बार एक ही सिंबल दूंगा, ठीक है। उसका भी डिस्क्रिप्शन आप इसी सिंबल के प्रॉपर्टीज में पुट कर सकते हो, ठीक है। अभी समझो मैंने ये अलार्म बेल यूज की, ठीक है, उसे डबल क्लिक किया उस पर। अभी ये मेरे कर्सर के साथ यहाँ पे इस ड्राइंग पे आपको दिखाई देगा। अभी मैंने इसे कहीं पे भी प्लेस किया, कहीं पे भी इंसर्ट किया, ठीक है, मैंने एक क्लिक किया तो उसका प्रॉपर्टीज ओपन हो जाता है, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट ई प्लान का सिस्टम है कि आप कोई भी सिंबल यूज करते हो तो उसका प्रॉपर्टीज ओपन हो जाता है। प्रॉपर्टीज ओपन होने हो जाने के बाद उसका बेनिफिट क्या होता है कि हम जो भी सिंबल यूज कर रहे हैं उसका पूरा डिटेल्स पहले आप फिलअप करिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा एक पार्ट का एक ऑप्शन है जहाँ पे आप उसका पार्ट नंबर डाल सकते हो, जो मैन्युफैक्चरर का पार्ट नंबर है या उसका जो कुछ सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप अगर आपका डेटाबेस बना हुआ है पहले से ही, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाके सिलेक्ट कर सकते हो हर एक पार्ट, ठीक है। उसका आपको ग्राफिकल व्यू यहाँ पे दिखेगा, जो कुछ भी आपका पार्ट है, समझो एमसीबी है, एमपीसीबी है, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ पे जाके वो सिलेक्ट कर सकते हो और आपके जो सिस्टम में आपने यूज किया है पार्ट उसके प्रॉपर्टीज में आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखेगा कि उसके प्रॉपर्टीज में क्या क्या है, टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप पुट कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद फंक्शन टेस्ट आपको अपने हिसाब से कुछ उसको नाम देना है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। उसे डिनोट कैसे करोगे कि आप यहाँ पे दिखा सकते हो उसका स्पेसिफिक नेम। अभी ये जो है हुटर है तो हमने H1 नाम दिया है उसको, ठीक है। तो ये बाई डिफॉल्ट आ जाता है। तो ये क्या है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है या स्टैंडर्ड ड्राइंग है। जैसे कि ये ऑप्शंस आपको ऑटोकैड में नहीं दिखेंगे, ठीक है। हर एक सिंबल आप ऐसे ही इंसर्ट करोगे पूरे ड्राइंग में। अभी ये हो गया ड्राइंग का, जैसे कि आपका ये टाइम बचता है इससे, तो समझो एक 10 पेजेस का ड्राइंग है तो उसे ऑटोकैड में बनाने के लिए आपको 3 दिन लगते हैं। अगर आप वही ड्राइंग ई प्लान में बना रहे हो तो वो एक ही दिन में बन जाएगा, ठीक है। ये बेनिफिट है उसका। अभी ये भी दिखाता हूँ मैं आपको। समझो अभी ये मैंने फुटर लगाया यहाँ पे, अभी मैं इसे कनेक्ट करना चाहता हूँ। अगर मैंने ये इधर का जो सिंबल है एंगल अप का वो उसे उसके सामने में लेके गया तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया, ठीक है। तो आपको कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको मैन्युअली कुछ दिखाना है तो आप यहाँ से बाकी के सिंबल्स यूज करके भी दिखा सकते हो, लेकिन ये जो कनेक्शन है दो सिंबल में जो कनेक्शन होता है वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें आपको किधर भी मैन्युअली कुछ भी ड्रॉ करने करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका ड्राइंग का कि आप अच्छे से ड्राइंग बना सकते हो, ड्राइंग में फाइननेस आ जाएगी आपके, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक बेनिफिट है इसका कि आप यहाँ पे रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हो। रिपोर्ट्स यानी कि आपने जो कुछ भी यूज किया है, समझो आपने यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5 टर्मिनल यूज किए हैं, ठीक है। तो हर एक टर्मिनल का डिटेल्स, हर एक टर्मिनल का पार्ट नंबर, हर एक टर्मिनल का नाम, उसका जो डेजिग्नेशन है वो आपको हर एक डिटेल्स आपको चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं हम कि यहाँ पे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, जैसे कि आपने कौन कौन से टर्मिनल यूज किए हैं, उसका हर एक टर्मिनल का डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये जो है टर्मिनल डायग्राम के रिपोर्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा आ जाता है कि अभी कौन सा टर्मिनल है, समझो ये टर्मिनल है, ठीक है, CRX25। तो उसका एक नंबर का टर्मिनल आपने यूज किया है, उसके पहले कौन सा उसके आगे कौन सा नंबर था, उसके पीछे कौन सा नंबर है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। उसका टारगेट डेजिग्नेशन क्या है, वो टर्मिनल जो कनेक्ट किया है वहां से कौन सा स्विच गियर पहले यूज किया है तो वो भी यहाँ पे दिखाई देगा कि F9 स्विच गियर यूज किया है। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन क्या है वो भी यहाँ पे आपको फंक्शन टेक्स्ट में दिखेगा, ठीक है। तो ये जो है रिपोर्ट है, एक स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स है जो हम ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। उसके लिए भी यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी टर्मिनल का दिखाया, सेम एज इट इज आप BOM जनरेट कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपने जो कुछ भी यूज किया है ड्राइंग में उसका हर एक का डेटा आप ड्राइंग बनाते समय फिलअप करोगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे
केबल यूज किया है। तो जब मैं केबल यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ तो केबल का पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मुझे फिलअप करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि कनेक्शंस कितने हैं, मतलब क्रॉस सेक्शन उसका केबल का कितने स्क्वायर एमएम का केबल है, कितने कोर का केबल है, आपने कितने मीटर का केबल लिया है, तो हर एक चीज़ आप यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि पूरे प्रॉपर्टीज आपने फिलअप करने के बाद जो इसका रिपोर्ट जनरेट होगा, केबल का जो रिपोर्ट आएगा, तो उसमें आपका पूरा डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये केबल आपने कहाँ पे यूज की, कौन से पेज पे यूज की, उसका डेजिग्नेशन क्या है, ये सब यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि केबल ओवरव्यू का एक रिपोर्ट होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने कौन कौन सा केबल यूज किया, वो कहाँ से कहाँ तक यूज हो रहा है। अभी यहाँ पे पहला केबल है जैसे कि HMI ET, मीन्स HMI की इथरनेट केबल है, ठीक है। तो ये कहाँ से चालू हुई है कि इथरनेट स्विच से चालू हो गई और वो कहाँ तक गई, OPHMI मतलब HMI पैनल तक गई, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक केबल गई वो भी यहाँ पे दिखा देता है। उसके बाद केबल टाइप कौन सा है, वो भी कौन सी केबल आपने यूज की है, तो ET केबल मीन्स इथरनेट केबल यूज की है। उसका मेक कौन है या मैन्युफैक्चरर कौन है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि AMP कंपनी की केबल हमने यूज की है, ठीक है। तो उसके कितने कोर आपने यूज किए, तो एक कोर यूज किया है, ठीक है। केबल की लेंथ कितनी थी, तो 2 मीटर थी। और केबल किस चीज के लिए आपने यूज किए, कहाँ से कहाँ तक गए, तो वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था। और उसके नीचे जो आपका फंक्शन टेक्स्ट होता है वो भी दिखाई देता है, जहाँ पे आपने केबल यूज किया है वहाँ पे सर्वो ड्राइव करके एक फंक्शन टेक्स्ट है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपको ट्रेस करने में आसानी हो जाती है कि ये केबल कहाँ पे है। आप इजीली ट्रेस कर सकते हैं कि ये केबल मैंने किस पेज पे यूज की है, ठीक है। आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ये केबल का है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको टर्मिनल का दिखाया था, सेम एज इट इज BOM आप जनरेट कर सकते हो। BOM मीन्स बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है। जितना आपने यूज किया है प्रोजेक्ट में मटेरियल, जो कुछ भी यूज किया है, उसका आप हर एक डिटेल यहाँ पे दिखा सकते हो। जैसे ये समराइज पार्ट लिस्ट है, तो आप यहाँ पे दिखा सकते हो कि अभी फर्स्ट आप देखोगे कि एक यहाँ पे एंकर का एक यूटिलिटी सॉकेट यूज किया है, ठीक है। उसका डेजिग्नेशन आएगा यहाँ पे, उसका क्वांटिटी आएगा, उसका यूनिट प्राइस आएगा और टोटल प्राइस आएगा, ठीक है। ये रिपोर्ट का एक फॉर्मेट आप जनरेट कर सकते हो। अभी जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सप्लायर का नाम पहले आ रहा है, ऑर्डर का नाम बाद में आ रहा है, डेजिग्नेशन उसके बाद आ रहा है, तो इसे आप अल्टर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जिस तरह रिपोर्ट जनरेट करने हैं, जिस तरह आपको रिपोर्ट चाहिए, वैसे आप रिपोर्ट यहाँ पे दिखा सकते हो, ठीक है। ये एक बेनिफिट है उसका। ऑटोकैड में आप रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते। इससे क्या होता है कि ऑटोमेटिक रिपोर्ट से कि आपने, अगर समझो ये एलन ब्रैडली का स्कोप है, एलन ब्रैडली के स्कोप में आपने एक आपको एक PLC यूज करना है, आपने वो PLC ड्राइंग में दिखाया है, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है BOM में, ठीक है, बिल ऑफ मटेरियल में वो नहीं दिख रहा है, तो आपको पता चलता है कि आपने ड्राइंग में तो वो यूज किया है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो आपने जो प्रॉपर्टीज उसके फिलअप किए, तो उस प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ तो मिस हो गया आपका, ठीक है। प्रॉपर्टीज फिलअप करते हुए आपने कुछ चीजें आपसे रह गई फिलअप करने की, इसलिए यहाँ पे BOM में उसके डिटेल्स नहीं आ रहे, ठीक है। कोई भी पार्ट हो, कोई भी टर्मिनल हो सकता है, प्रोटेक्शन डिवाइस हो सकता है, ठीक है। तो एक बेनिफिट है उसका। उसके बाद अभी आपका ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आप इस ड्राइंग को रन भी कर सकते हो। जैसे कि आपका एक केबल है, तो वो केबल कहाँ तक गया है उसे आप ट्रेस कर सकते हो। समझो मेरा एक केबल है, ठीक है, तो इस केबल को मुझे ट्रेस करना है कि वो ये केबल कहाँ तक गया है, ठीक है। तो इस केबल को मैं ट्रेस कर सकता हूँ कि ये केबल मेरी कहाँ तक गई, किस स्विच गियर तक गई, उसे मैं हाईलाइट कर सकता हूँ। आपको यहाँ पे रेड कलर के सब केबल दिख रहे हैं, तो मैं हर एक केबल का कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके प्रॉपर्टीज में आप जाओगे तो उसके प्रॉपर्टीज में आप उसका लेंथ, उसका स्क्वायर MM, जो कुछ भी है उसके प्रॉपर्टीज में, वो आप फिलअप करके उसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो हर एक टाइप का यहाँ पे आपको बेनिफिट है एज कम्पेयर टू ऑटोकैड, ठीक है। यहाँ तक किसी को कुछ ऐसी बात है क्या कि किसी को कुछ समझ में नहीं आया? हेलो।
यस सर, हेलो। हाँ, किसी को हाय, ऐसा, दिस इज रेहान। हाँ सर, आई एम जस्ट आस्किंग कि दैट इज अ राइट कि देर इन ऑटो कैड देर इज अ नॉट रिपोर्ट जनरेशन, बट देर इफ यू टेक इन लाइक स्विच गियर ऑन द स्क्रीन तो दे ऑटोमेटिकली ओपन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन मीन्स कि कितना एमएम लेना है आपको, कितना लेंथ लेना है, और वो सब आता है सर ई प्लान में जैसा है। हाँ, वो अभी जो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया राइट कि नाउ जो आई एम लेट, यूजिंग ऑटोकैड 2021। हाँ तो उसमें वो ऑप्शंस है, लेकिन एक बहुत सारे ऑप्शंस ऐसे भी है कि जो ऑटो कैड में नहीं है, या ड्राइंग का जो फाइननेस यस होता यस, है, राइट। यू आर राइट, अभी यहाँ बॉन्ड पे, हाँ क्रिएटिंग इज नॉट देयर। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्रीन कलर में आपको यहाँ पे एक रेफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो ये रेफरेंस से क्या होता है कि यस आपको पता चलता है कि ये केबल कहाँ से कहाँ तक गई है, ठीक है। तो यस यस अगर आपने इस R1 के ऊपर क्लिक किया और आपने EF प्रेस किया, कीबोर्ड पे आपके जो EF की है तो आपने यस प्रेस की, तो मैं अभी प्रेस करके बताता हूँ, ठीक है। अभी प्रेस की तो ये नेक्स्ट पेज पे गया, ठीक है। तो ये यस रेफरेंस आ गया इसका, आप यहाँ पे देख सकते हो, लेफ्ट साइड पे 8 नंबर का पेज है, ठीक है। अभी मैं यस इससे, इसके ऊपर क्लिक करके मैं फिर से ये प्रेस करता हूँ तो रिटर्न आ जाएगा कि कहाँ से आया था, ठीक है। इसे आप तो दैट डायरेक्ट, फैसिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल देयर। हेलो व्हाट, हाँ, ये रेफरेंस पेज रेफरेंस ना, ये हाँ सर दो उसमें भी है हाँ ये वो फैसिलिटी। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल कैड जो है अभी का, उसमें वो भी जो कुछ बेनिफिट है वो भी है उसमें। अभी देखो कैसे है कि ई प्लान और ऑटोकैड, इसमें अभी अगर आप यूएस बेस्ड कंट्री, यूएस बेस्ड कंपनी देखोगे, ठीक है, तो यूएस बेस्ड कंपनी क्या करती है कि मैक्सिमम ऑटोकैड को प्रेफरेंस देती है। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि ऑटोकैड मतलब नहीं ऑटोकैड आप सर, यूज मत इसमें एक करो, फायदा क्या है सर, इसमें एक हाँ फायदा ये है कि हमारा बॉम बीओम जो बनाते हैं ना, उसका टाइम बचेगा सर। हाँ BOM बनाने का टाइम बचेगा। अभी उसमें ऑटो लाइब्रेरी ऑटोमेटिकली शायद कनेक्ट नहीं होता, ठीक है, ऑटो कैड में। इज ऑल्सो देयर सर, लाइब्रेरी बहुत बड़ा लाइब्रेरी है उसमें जो ऑटोकैड में नहीं है। यस, एनीवे जैसे, सर, व्हाट आई वुड सजेस्ट ना, आप पहले डेमो आप दे दो, लेट्स वी विल हैव अ डिस्कशन आफ्टर ओके दैट, ओके वी विल हैव अ अदरवाइज रिदम विल ब्रेक। तो ओके सुरेश सर, ओके, प्लीज टेक द सॉरी फॉर प्रेजेंटेशन एंड देन वी डिस्टर्बिंग। हैव आल्सो एक्सपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड, डोंट वरी, ही इज हैविंग 20 इयर्स एक्सपीरियंस। वी हैव आल्सो इनवाइटेड, ही विल क्लियर आल्सो डाउट्स, योर डाउट, एवरीबॉडीज डाउट। ओके ओके सर, सुरेश जी। ओके ओके, तो जैसे आप देख सकते हो कि इसमें आप पूरे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, पूरा जो कुछ भी अभी सर ने बताया कि आप यहाँ पे डेटा सेव कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि सिंबल तो मैंने आपको दिखा दिए कि हर एक टाइप का यहाँ पे सिंबल आपको मिलेगा, जैसे कि ब्रेक का है, वॉल का है, सिग्नल डिवाइसेस है, मोटर्स है, ठीक है, 3 फेज हो, सिंगल फेज हो, डीसी ऑपरेटेड हो, एसी ऑपरेटेड हो, हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको सिंबल दिखाई देगा, ठीक है। और उसमें अभी आप यहाँ पे IEC, अभी यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि IEC सिंबल है, ठीक है। तो इसमें ई प्लान में आपको मल्टीपल फैसिलिटीज है, जैसे आप अगर जर्मन बेस्ड कंपनी का काम कर रहे हो तो आप यहाँ पे जर्मन सिंबल गैलरी सिलेक्ट करके आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। अभी आप उनका ड्राइंग देखोगे, जर्मन बेस कंपनीज का या जर्मनी की कौन सी भी कंपनी हो, तो उनका ड्राइंग देखोगे और अपना ड्राइंग देखोगे तो उसमें आपको डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। तो सिंबल अलग अलग हो सकते हैं, या उनका जो स्टैंडर्ड है वो अलग अलग हो सकता है। तो इसमें तीन चार फैसिलिटीज होती है कि जैसे अभी ये GOST सिंबल आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये चाइनीज चाइनीज बेस्ड सिंबल गैलरी है, जो कि चाइना के कंपनी, कौन सी भी कंपनी होगी तो वहाँ पे ये स्टैंडर्ड यूज करते हैं, या ये GOST बेस्ड टर्मिनल्स यूज करते हैं। ज़्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक उनका जो स्टैंडर्ड होता है, जो कुछ भी ड्राइंग बनाते हो तो हर एक चीज़ का, हर एक कंट्री का एक स्टैंडर्ड होता है, तो उसके हिसाब से हम
यूज कर सकते हैं। अभी कैसे होता है कि हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे कंपनी के कुछ 10-12 मशीन है, तो 10-12 मशीन अलग अलग कंट्री में जाने वाले या अलग अलग कंट्री में हम डिस्पैच करने वाले हैं, ठीक है, तो उनको हर एक को उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको ड्राइंग चाहिए होता है, अपने इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको ड्राइंग नहीं चाहिए होता है, ठीक है, तो आप उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से आप यहाँ से हर एक चीज यूज करके ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है, तो एक बेनिफिट है। उसके बाद आप यहाँ पे डेटा बना के रख सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखेगा कि केबल्स है, ठीक है, तो केबल्स में आप अलग अलग केबल्स के पार्ट नंबर यहाँ पे डेटा में सेव कर सकते हो आप, और यहाँ से सीधा आप ड्राइंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको दिखेगा कि अभी ये जो मेरा डेटाबेस है बहुत छोटा डेटाबेस है, आप दूसरी जगह पे देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे भी दिखाई देगा, जैसे कि लैब के केबल्स है, ठीक है, मल्टीपल केबल्स है, 1.5 square mm है या 0.75 square mm है, अलग अलग टाइप का डेटाबेस है, उसका हर एक का डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे उसका ग्राफिकल ओवरव्यू दिखाई देगा। अभी ये क्या होता है कि अगर आपको कोई पार्ट चाहिए, समझो आपको ड्राइंग में सर्वो ड्राइव दिखाना है, ठीक है, तो सर्वो ड्राइव दिखाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा ऑटोकैड में, एक तो उसका इनबिल्ट अगर कहाँ पे ड्राइंग होगा सेव होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको खुद से नया बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ई प्लान में क्या होता है कि एक डेटा पोर्टल की एक फैसिलिटी होती है जो कि लाइसेंस की के साथ आती है, ठीक है, तो डेटा पोर्टल से आप क्या कर सकते हो कि सब जो कुछ भी आप यूज कर रहे हो उसका 3D फॉर्मेट, 2D फॉर्मेट वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डेटा पोर्टल से, या उसका इमेज है, उसका जो कुछ भी डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो हर एक चीज आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अभी मेरे पास क्रैक वर्जन है तो यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, यहाँ पे अगर आप डेटा पोर्टल ओपन करते हो तो यहाँ पे एक ई प्लान सेटिंग्स आता है, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसका लाइसेंस की का जो कुछ भी यूजर नेम पासवर्ड है वो आप फिलअप करने के बाद वो आप डेटा पोर्टल से एक्सेस कर सकते हो हर एक पार्ट, जैसे कि सीमेंस का होगा, एलन ब्रैडली का होगा, मित्सुबिशी का होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको और मल्टीपल फंक्शन दिखेंगे, जैसे कि अभी प्रोजेक्ट है तो यहाँ पे आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो यहाँ से पूरे प्रॉपर्टीज यूज करके आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। प्रोजेक्ट बनाते समय आपको पूरे डिटेल्स प्रॉपर्टीज में पूरे डिटेल्स आ जाते हैं, जैसे कि कंपनी का नेम है, ठीक है, अगर आपको टेम्पलेट बनाना है तो इसमें आप टेम्पलेट बना सकते हो। अभी ये जो है एक सैम्पल टेम्पलेट है, जैसे कि ये एटलस कॉपको कंपनी का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उनका एक सैम्पल टेम्पलेट है। अभी यहाँ पे आपको ये एटलस कॉपको का लोगो दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ पे दूसरे कंपनी का लोगो डाल सकते हो। ये जो है फॉर्मेट है, फॉर्मेट को इसको हम टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है, तो आप अलग अलग टेम्पलेट बना सकते हो, इसमें अलग अलग फॉर्मेट तैयार कर सकते हो कंपनी के हिसाब से, ठीक है। अब प्रोजेक्ट का आप यहाँ से बैकअप ले सकते हो, पूरे प्रोजेक्ट का बैकअप ले सकते हो या सिर्फ टेम्पलेट का ले सकते हो, प्लॉट फ्रेम का ले सकते हो, फॉर्म्स का ले सकते हो। फॉर्म्स मीन्स जो आपको एक स्टैंडर्ड बना के रखना है, अभी ये जो है अंदर का ये फॉर्म है मेरा, ठीक है, ये जो है बाहर के आउटर साइड वाली ये प्लॉट फ्रेम है, ठीक है, इसको फॉर्म बोलते हैं हम, इसको आउटसाइड वाला जो है बॉर्डर आपको दिखाई दे रहा है उसे फॉर्म बोलते हैं। अभी भी इसमें आपको मल्टीपल कॉलम्स दिखाई देंगे 0 से 9 तक, ठीक है, तो आप इसे 0 से 20 भी कर सकते हो, 50 भी कर सकते हो, आपको जैसे ड्राइंग सुटेबल है उस हिसाब से आप टेम्पलेट या फॉर्म्स बना सकते हो, ये भी इसमें फैसिलिटीज है। और उसके बाद हर एक टाइप का पेज आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, जैसे कि अभी आप ड्राइंग बना रहे हो तो उसका पेज टाइप अलग होगा, अगर आप टाइटल पेज बना रहे हो तो उसका पेज टाइप अलग होगा, यहाँ पे आप पेज में जाओगे, न्यू बोलोगे तो यहाँ पे आपको पेज के टाइप दिखेंगे, ठीक है, अगर आपको एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट दिखाना है, फ्लूइड पावर स्कीमेटिक दिखाना है, न्यूमेटिक आपको कुछ दिखाना है ड्राइंग में तो उसके लिए अलग पेज है, ग्राफिक के लिए अलग पेज है, आपको ग्राफिकल ओवरव्यू दिखाना है, ठीक है, एमसीबी वगैरह जो कुछ भी पैनल है या एचएमआई पैनल्स है
वो आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पे ग्राफिक पेज से लेकर के या पैनल लेआउट पेज से लेकर के आप यू दिखा सकते हो वहाँ पे, ठीक है। मॉडल व्यू है, ओवर व्यू है, आपको यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेजेस दिखेंगे, वो आप यूज करके आप अपना पूरा प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे आप पेज का स्केल सेट कर सकते हो, पेज का ग्रिड सेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे ग्रिड सिस्टम भी है इसमें। ग्रिड सिस्टम से क्या होता है कि आपका जो कुछ भी ड्राइंग है, आप वो 10 पेजेस वाला ड्राइंग 1 पेज में भी बना सकते हो, ठीक है, और 1 पेज वाला ड्राइंग आप 10 पेजेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ ग्रिड दिखेंगे, ठीक है। अगर मैं ऑन करता हूँ, अगर मैंने ये ऑन किया तो आपको यहाँ पे छोटे छोटे स्पॉट या डॉट दिखेंगे, ठीक है। तो ये ग्रिड है, 5 टाइप्स ऑफ ग्रिड है। जैसे कि अगर मैंने ए ग्रिड सिलेक्ट की, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जो कुछ भी ये डॉट्स हैं ये नज़दीक दिखाई देंगे आपको, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि कोई भी आप पार्ट या कोई भी सिंबल यूज़ करते हो तो ऑटोमेटिकली वो जो कनेक्ट होता है, तो अगर वो ज़्यादा डिस्टेंस भी नहीं होगा तो भी वो कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रिड सिस्टम किस लिए होती है कि कोई भी पार्ट आपका जो है वो इजीली कनेक्ट हो जाए, ठीक है, उसमें ड्राइंग बनाते समय आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ग्रिड सिस्टम होती है। अभी मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि ग्रिड सी में काम करते हैं, ठीक है। ग्रिड सी में क्या होता है कि आपका जो पूरा ड्राइंग है वो अच्छे से वो ड्राइंग का जो ओवरव्यू है वो भी अच्छा दिखता है, ज़्यादा कंजेस्टेड ड्राइंग नहीं दिखता है, और वो अपना स्टैंडर्ड भी है कि हम सी ग्रेड में काम करते हैं मैक्सिमम। 1 मिनट। जैसे अभी मैं बोला कि आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ पेज सिलेक्ट करके ड्राइंग बना सकते हो, उसके बाद एडिट में जाके आप एडिट का एक ऑप्शन है, वहाँ से आप पेजेस एडिट भी कर सकते हो। जो भी आपका ग्राफिकल ओवरव्यू है उसे भी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखेगा कि ग्राफिक का एक ऑप्शन है, उसमें स्केल, स्ट्रेच, अगर आपको कोई भी सिंबल उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना है आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे विंडो मैक्रो, सिंबल मैक्रो का एक ऑप्शन है, वहाँ पे आप जाके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक पेज बना सकते हो, जो पेज आप हर एक प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो या जो ड्राइंग आप हर एक प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हो उसका एक स्टैंडर्ड कॉपी बना के रख सकते हो यहाँ से, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आप रोटेट भी कर सकते हो हर एक चीज को, यहाँ से फ्लिप भी कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको यहाँ पे मल्टीपल शॉर्टकट्स है, ठीक है। अगर आप ऑटोकैड से कंपेयर करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल शॉर्टकट्स है, यहाँ पे आपको ये शॉर्टकट्स भी दिखाई देंगे, ठीक है। तो शॉर्टकट से क्या होता है कि आपका टाइम कम लगता है ड्राइंग बनाने में। अगर आप एक बार दोनों सॉफ्टवेयर यूज करके देखोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे आप हर एक चीज इंसर्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। यहाँ से आप हर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। रिपोर्ट्स में अगर आप जाओगे जनरेट बोलोगे तो वहाँ पे जाके आप हर एक टाइप का रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि सिंबल ओवरव्यू है, आपने जितने सिंबल यूज किए उसका आपको ओवरव्यू चाहिए वो रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। पार्ट लिस्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है। रिवीजन ओवरव्यू जनरेट कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट यूज जनरेट कर सकते हो। टेबल ऑफ कंटेंट्स मीन्स जो आपका इंडेक्स है
तो इंडेक्स भी आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो, मतलब आप पूरा ड्राइंग एज लाइक बुक आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी बुक होता है तो हम उसे जैसा वो बुक डिवाइड होता है, कोई किसी भी सब्जेक्ट का बुक होगा आपने देखा होगा, वो बुक की तरह हम पूरा प्रोजेक्ट बना के रख सकते हैं इसमें, ठीक है। टाइटल पेज है, टर्मिनल लाइनअप डायग्राम है, पिन कनेक्शन डायग्राम है, तो आप हर एक टाइप का यहाँ से रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आप डेटाबेस बना सकते हो यहाँ से पार्ट्स में जाके, ठीक है। डेटा पोर्टल से आप जो कुछ भी आपको 3D व्यू चाहिए, 2D व्यू चाहिए, वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो हर एक चीज़ का, ठीक है। मास्टर डेटा में जाके आप सिंबल लाइब्रेरी बढ़ा सकते हो, आप खुद सिंबल बना के रख सकते हो उस सिंबल लाइब्रेरी में। उसके बाद यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन दिखेंगे, प्लॉट फ्रेम है, सिंबल है। अभी आप ये पूरा डिटेल में जब आप सीखोगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ से आप पूरा प्रोजेक्ट सिंक्रोनाइज कर सकते हो। सिंक्रोनाइज करने के बाद आपने अगर दूसरी जगह से कहाँ पे से प्रोजेक्ट लिया और यहाँ पे ओपन किया इस सॉफ्टवेयर में, तो आप यहाँ से सिंक्रोनाइज करके वो पूरा डेटा आपके डेटाबेस में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप पूरा प्रोजेक्ट अपडेट कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट करने के बाद उसका जो एक फाइनलाइज होता है प्रोजेक्ट, तो यहाँ से वो फाइनलाइज हो जाएगा प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से प्रोजेक्ट रन कर सकते हो। रन करने के बाद आपको जो कुछ भी एरर्स हो गए प्रोजेक्ट में, तो एरर्स आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे कि आपने अगर वायरिंग गलत किया है तो शॉर्ट सर्किट कहाँ पे हुआ है, ठीक है, या मल्टीपल जगह पे आपने एक ही वायर यूज़ किया है, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन वहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो ड्राइंग है वो पूरी तरह से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑटोकैड में कैसे आप हर एक चीज मैन्युअली पुट करोगे या मैन्युअली देखोगे, ठीक है, आप उसमें पूरा ड्राइंग रन नहीं कर सकते, या आपका ड्राइंग बनाते समय कहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, या कहीं पे वायरिंग आपकी गलत हो गई, ये ऑटोकैड में डिस्प्ले नहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट यूज करके आप ड्राइंग बना सकते हो, जैसे कि ये डायरेक्ट इरेक्टिंग है। आप हर एक चीज के प्रॉपर्टीज में जाने की जरूरत नहीं, अगर आपने वो ऑप्शन ऑन कर लिया डायरेक्ट इरेक्टिंग का, ठीक है, तो आप बाहर से ही उसका नेम चेंज कर सकते हो, उसके प्रॉपर्टीज में जाने की आपको जरूरत नहीं होती है। ये छोटे छोटे शॉर्टकट है इसमें बहुत सारे। यहाँ पे आपको दिखेगा कि जो मैंने बोला था कि आप लाइन ट्रेस कर सकते हो यहाँ पे, कोई भी एक लाइन सिलेक्ट करके आप देख सकते हो कि वो लाइन कहाँ तक गई है, ठीक है। ड्राइंग ट्रेस कर सकते हो, आपको यही अभी यहाँ पे दिखाई देगा कि येलो कलर के सब लाइन हो गए। अभी मैंने पूरे लाइन सिलेक्ट किए तो सभी लाइन ट्रेस हो गए, अभी वो सभी लाइन कहाँ तक आए, तो यहाँ तक आए, ठीक है, SMPS तक। तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि जो येलो कलर के लाइंस दिख रहे हैं आपको, वो SMPS तक दिख रहे हैं, ठीक है। उसके आगे फिर से रेड लाइंस आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हो हर एक केबल, हर एक वायर कहाँ से कहाँ तक गया है, ठीक है। आप यहाँ से टेक्स्ट दे सकते हो हर एक चीज़ को, फंक्शन टेक्स्ट दे सकते हो। जैसे आप मैन्युअली कुछ आपको पुट करना है, मैन्युअली कुछ नेम देना है हर एक चीज़ को, तो आप मैन्युअली भी दे सकते हो। उसके बाद पूरा ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पे एक और एक ऑप्शन दिखेगा कि अपडेट कनेक्शन का। जब आप यहाँ पे अपडेट करते हो तो पूरा रिपोर्ट में और पूरे ड्राइंग में आपका अपडेट हो जाएगा। बेनिफिट
बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं जो आपको ऑटोकैड में नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। अभी आप यहाँ में यहाँ पे जीएपी बना सकते हो, ठीक है। पैनल का जो ओवरव्यू है, पैनल का जो 2D व्यू है, 3D व्यू है, वो भी आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अभी ये जो है आउटर व्यू, जो 2D व्यू हमने बनाया है पैनल का, आपको यहाँ पे एक आउटर व्यू दिखाई देगा, पैनल पैनल की आउटर साइड दिखाई देगी, ठीक है। लेफ्ट साइड, राइट साइड, ये यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद आपको इनसाइड व्यू दिखेगा, ठीक है। तो ये भी आप बना सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम हम क्या करते हैं कि जीए के लिए बहुत बार हम ऑटोकैड प्रेफर करते हैं, ठीक है, जीए बनाने के लिए। लेकिन इसमें ई प्लान में भी बहुत सारे ऑप्शंस है कि जो यूज़ करके आप इसमें भी जीए अच्छे तरह से बना सकते हो, ठीक है। उसके बाद हर एक केबल का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिखा सकते हो आप, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ, आप हर एक सिंबल यूज़ करके यहाँ से प्रोजेक्ट में आपने जितने केबल यूज़ किए, कलर कोड यूज़ किए, वो आप यहाँ से दिखा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको टर्मिनल दिखेंगे, ए पी एल सी रिलेटेड टर्मिनल है, ठीक है। यहाँ से आप हर एक चीज की लेंथ चेक कर सकते हो या देख सकते हो, स्पेसिफिक हर एक पार्ट की जो आपको चेक करना है कितना है उसका लेंथ, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, डायमेंशन डाल के देख सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम हम ई प्लान ऑटोमेशन फील्ड में ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आप कोई भी इमेज यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो। आपको अगर आपके पास उसका डेटाबेस नहीं है या आप जनरेट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास क्रैक वर्जन है, तो आप यहाँ से मैन्युअली भी इमेज डाल के दिखा सकते हो उस ड्राइंग में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया क्या सबको? हेलो। हाँ यस सर, यस सर। हाँ, तो ये हमारा ओवरव्यू था ई प्लान का। अभी इसमें मल्टीपल ऑप्शंस है, मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो अभी हम एक एक घंटे में या 45 मिनट्स में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ठीक है। मैंने खाली आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है पूरे सॉफ्टवेयर का। हेलो। हाँ यस सर, वंस यू डन अब बताना, मैं अभी कैंडिडेट्स को कुछ ऑफर दूंगा, प्रपोजल दूंगा, और या ओके। कोई टेक्निकल डाउट्स है यू कैन आस्क एवरीबॉडी, यू हैव एनी टेक्निकल डाउट्स सर से? यस किसी को डाउट्स है क्या? सर, हेलो। हाँ बोलिए। कैन यू जस्ट प्रोवाइड मी द क्रैक वर्जन लिंक फॉर टू ट्राई और रोहित सर पर्पस? आपसे बात कर देंगे। भी बात करूंगा जस्ट रिगार्डिंग टेक कमर्शियल सॉफ्टवेयर एंड एवरीथिंग आई डिस्कस टू यू। आपको सर का ई प्लान ट्रेनिंग रिलेटेड कुछ, एक सेकंड मैं आपको शेयर करता हूं सर, जस्ट 2 मिनट। जस्ट यू वांट टू सी कोई ऑफर सर? आप स्क्रीन ये कर दो, मैं आई शेयर इट टू यू। आई ओके थिंक ओके। जस्ट मैं आई शेयर इट टू यू, जस्ट 2 मिनट्स। जस्ट हाँ, ये स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? आर यू एबल टू सी माई स्क्रीन प्लीज?
यस सर, दिख रही है। हाँ थैंक्स थैंक्स सूरज सर. आई नो 45 मिनट्स तो बहुत कम होता है फॉर एनी प्रेजेंटेशन सेमिनार, पर स्टिल मैं कुछ बताना चाहता हूँ. जैसे कि वी आर ट्रेनिंग सिंस 10 इयर्स, तो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ट्रेनिंग लिए बिकॉज आफ्टर विच दे हैव गॉट प्लेस. ये लाइव सेशंस का भी कुछ फीडबैक है हमारे यहाँ. जैसे थैंक यू रोज सर फॉर सपोर्टिंग मी मैं सर आल्सो बिकॉज ही सुन ईच एंड एवरी डिफरेंट एग्जांपल मैं सर आल्सो रेडी टू हेल्प बोथ ऑफ यू. तो ये हमारे टेस्टिमोनियल्स है जो बच्चों ने सीखा हमारे ई प्लान का, जैसे अप्रैल लॉकडाउन सेकेंड लॉकडाउन का ये फीडबैक्स है. सुरेंद्र सर ने भी फीडबैक दिया, दीज आर वर्किंग. प्रीति थैंक यू द वे एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग एग्जाम्पल. तो वैसे ही हमारे एम्पैनलमेंट में इंडस्ट्री प्रोफेशनल महमूद फर्स्ट फ्रॉम दुबई, ये इन्होंने भी ट्रेनिंग किया, ही वाज वर्किंग प्रोफेशनल. वैभव वाज अ स्टूडेंट. उसी तरह से एक रोहन है, उन्होंने भी कोर्स लगाया था. नाउ बहुत अच्छा उनको एज अ फ्रेशर्स ही गॉट अ जॉब. तो आई वांट टू शो यू सर्टेन फीडबैक ऑफ दिस स्टूडेंट. जैसे अभी हमारे कोविड की वजह से यू नो ऑनलाइन ट्रेनिंग लाइव सेशंस हो रहे हैं. जैसे वन ऑफ माय दिस माय डॉटर एंड शी इज जस्ट 4 एंड 4 इयर्स ओल्ड. तो अभी अभी साढ़े ये ऑन इज गोइंग टू बी 5 इयर्स. तो इनका ट्रेनिंग स्टॉप नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ कोविड. तो अभी बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग. हम लोग